हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज रियल हेयर हाउस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई टॉपिक नहीं है, कोई इसमें ऐसा कुछ रैंडम चीज नहीं है। आज मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल इंक्वायरी बताना चाहता हूँ कि हेयर पैच खरीदने से पहले आपको कौन कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए कि आप एक अच्छा एक हेयर पैच खरीद पाए, एक उसका अच्छा एक्सपीरियंस ले पाए और वो लॉन्ग लाइफ भी चाहे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक अच्छा हेयर पैच, एक अच्छा हेयर पीस लेना चाहते हैं तो आपको उसमें तीन चीज़ें देखनी है कि उसका जो बॉर्डर है, नीचे का जो बेस है उसका, वो कितना थिन है, कितना थिक है, कितना मोटा है, कितना पतला है, कि वो अच्छे से उसमें हवा पानी क्रॉस हो सकता है नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ आपको उसके बालों का टेक्सचर देखना है कि बाल मोटे तो नहीं है, उस टाइम बाद रफ तो नहीं हो जाएंगे, सॉफ्ट बाल है, पतला बाल है तो वो सॉफ्ट रहेगा, वो आगे जाके भी सॉफ्ट ही रहेगा। अगर मोटा बाल है, थिक हेयर है उसमें, तो आगे जाके कहीं ना कहीं रफ हो सकता है। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है। और तीसरी चीज़ क्या चेक करनी है, आपके स्कैल्प पे रख के वो आपको कितना कंफर्ट दे रहा है। तो दोस्तों, इस सारी बात का मैं कंक्लूजन यही देना चाहूँगा कि कोई भी पैच आप कभी भी किसी से भी खरीदें तो ये देख के मत खरीदिए कि उसका क्या नाम है, उसका क्या प्रोडक्ट का क्वालिटी नेम है, या उसकी वो Q6 है, या वो मिराज है, या वो कुछ और है, नहीं, या वो किसी और के ऊपर अच्छा लग रहा है, नहीं। आप वो चीज़ लीजिए जो आपके ऊपर अच्छी लगे, जो आपको लगा कि कंफर्टेबल फील कर रहा है, जो आपको आपके लिए बेनिफिशियल हो। अब वही चीज़ लीजिए, वो मत लीजिए तो दूसरे पे अच्छी लगे, वो लीजिए जो आप पे अच्छी लगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मेरे पास फ़ोन करके पूछते हैं, क्वारी देते हैं कि सर आपके पास एक पैच 10,000 का है, 12,000 का है, वो दूसरे के पास वो पैच 18,000 का है, वो दूसरे के पास पैच 5,000 का है। तो सर, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारी जो इंडस्ट्री है, हेयर इंडस्ट्री है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है सर ट्रस्ट। ट्रस्ट है तो आप पैच लीजिए, ट्रस्ट है तो आप काम कराइए, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल मत कराइए। क्योंकि आपके सामने 10 पैच रखे जाएंगे, उन 10 में से आप नहीं बता सकते कि किस पैच में ह्यूमन हेयर है, किस पैच में इफेक्टिव हेयर है, किस पैच में प्रोसेस्ड हेयर है, और किस पैच में प्लास्टिक हेयर है, सिंथेटिक हेयर है, नकली बाल है, तो आप नहीं बता सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिससे भी लें, चाहे आप मुझसे लें या किसी और रिप्लेसमेंट सेंटर से लें, तो आप उस पर अगर ट्रस्ट करते हैं, आपका भरोसा है उस पर, तो आप उससे लीजिए, वरना मत लीजिए। और एक चीज़ मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ सर, मैं किसी और का नहीं करूँगा कि वो बेकार देता है या वो सही देता है या मैं सही देता हूँ या कोई और बेकार देता है। मैं अपना एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि आप अगर हमारे पास आते हैं या मेरा कोई क्लाइंट आता है, मेरे पास अगर क्लाइंट आता है तो वो सेटिस्फेक्शन के ऊपर होता है कि अगर उसे सेटिस्फाइड है, वो उस चीज़ से संतुष्ट है जो उसके काम हुआ है, जो उसका सेटिंग हुई है या जो उसका मैचिंग हुई है, वो सेटिस्फाइड है, तब मैं उससे पेमेंट लेता हूँ, उससे पहले नहीं लेता। अगर वो पैच कटिंग हो के भी, कट के भी वो सेटिस्फाई आदमी नहीं है, तो मैं वो पैच उसे देता ही नहीं हूँ, बल्कि उससे पैसे भी नहीं लेता। मैं यही चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी आदमी के ऊपर ट्रस्ट है, अगर आप उसके काम से फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, तभी आप उससे काम कराएं, वरना मत कराएं। अगर आप मेरे पास आते हैं तो सर, मेरी तो गारंटी है, मैं आपको सेटिस्फाई करके ही भेजूँ। तो आपको ये चीज़ मैं और समझाना चाहता हूँ कि किसी के पास भी जाएं, पहला चीज़ है ट्रस्ट, भरोसा, और दूसरी चीज़ है सेटिस्फैक्शन। अगर ये दोनों चीज़ आपको एक्सपीरियंस हो रही है तो आप पैच परचेज करिएगा उससे, वरना मत करिए। सर दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि आगे तक भी पहुंचे, अगर अच्छी है, और किसी आदमी को जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, उसके पास अगर पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं, मैं A to Z क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, इसकी सब्सक्रिप्शन जो नंबर है उसको बढ़ाइए प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।